दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. IPL 2020 का 18वां मैच किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाने वाला है। सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में आमने सामने होंगे दो किंग्स, यानी कि एक तरफ देखने को मिलेगा धोनी का धमाल, वहीं दूसरी तरफ केएल मचाएंगे बवाल। काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में खेला जाने वाला है। अब तक यहाँ इस आईपीएल के 7 मैच खेले जा चुके हैं और कमाल बात तो ये है कि सातों ही मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली पहले बैटिंग करने वाली टीम इस मैच में जीत सकती है। आपको बता दें कि इस विकेट पर चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान काफी अच्छे स्विंग्स देखने को मिले थे। मतलब साफ है कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा और ना ही आपको हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा, साथ ही साथ तेज गेंदबाजों का दबदबा इस विकेट पर होने वाला है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की। तो इनकी टीम में आपको कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि क्रिस गेल को इस बार कैसे भी करके टीम में एडजस्ट किया जाए, क्योंकि पंजाब को इस वक्त गेल स्टॉर्म की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। तो भैया अब नहीं तो कभी नहीं, गेल को लाओ वरना दावेदारी से बाहर जाओ। क्रिस गेल को लाने के लिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त पंजाब की टीम सिर्फ और सिर्फ दो बल्लेबाजों पर डिपेंड होकर रह गई है। जी हां, अगर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल जल्दी आउट हो जा रहे हैं तो पंजाब की टीम भी जल्दी आउट हो जा रही है। ये चीज हम दो मैचों में देख चुके हैं, दिल्ली के खिलाफ साथ ही साथ मुंबई के खिलाफ। आप सिर्फ दो बल्लेबाजों पर डिपेंड होकर आईपीएल जैसा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो भैया गेल जैसे महाबली की इस वक्त पंजाब के टीम को जरूरत है। हालांकि मिडिल ऑर्डर में पूरन ने पिछले मैच में 47 रनों की पारी खेलकर फॉर्म में वापसी जरूर की थी, लेकिन उससे कुछ खास होने वाला नहीं है। करुण नायर के गेम को देखकर ऐसा लगता है कि वो बस फॉर्मेलिटी करने के लिए मैदान पर आते हैं। तो भैया अब वक्त आ गया है करुण नायर की जगह मनदीप सिंह को मौका देने का। साथ ही साथ मैक्सवेल का भी मैक्सिमम आजकल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो उनको भी टीम से बाहर किया जा सकता है, बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। खैर, शिकायतें तो किंग्स 11 पंजाब से बहुत सारी है, लेकिन उम्मीद है कि इन शिकायतों को किंग्स 11 पंजाब की टीम इस मैच में दूर करेगी, जिसके लिए एक बार फिर से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को वॉल बनकर खड़ा होना ही पड़ेगा। बात करें इनकी गेंदबाजी की, तो इनकी गेंदबाजी में भी आपको कई सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुर्गन अश्विन एक बार फिर से टीम में वापसी कर सकते हैं। मुंबई के खिलाफ 4 ओवरों में 53 रन खर्च करने वाले जिमी टीम से बाहर जा सकते हैं, उनकी जगह मुजीबुर रहमान की टीम में वापसी हो सकती है। फिलहाल में तो मोहम्मद समी भी अपने ट्रैक से भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुबई के मैदान पर अपनी गेंदों को लहराते हुए अपना लय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इनका साथ देंगे सेल्डन कटरल, जो कि मुंबई के खिलाफ काफी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे और उन्होंने 4 ओवरों में मात्र 20 रन देकर एक विकेट भी लिया था। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो भैया ये 2020 है, इस साल सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है। विश्वास ही नहीं होता कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम पॉइंट्स टेबल में आखिरी पैदान पर भी हो सकती है। जी हां, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। अपने 4 मैचों में से 3 मैच बुरी तरीके से हारने के बाद कैप्टन कूल ने अपने बुद्धि के पिटारे से कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर निकाला होगा। वैसे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ना ही बल्लेबाजी में अच्छा कर पा रही है, ना गेंदबाजी में अच्छा कर रही है और ना ही फील्डिंग में कुछ खास कर पा रही है। हर जगह यह टीम टाए-टाए फिस साबित हो रही है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि पिछले मैच में एक हाथ और पीठ में जबरदस्त दर्द होने के बावजूद भी धोनी ने जिस तरीके से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, उसे देखकर तो यही लगता है कि सीएसके की टीम में एक नया मोटिवेशन और एक अलग टाइप की एनर्जेटिक एनर्जी आई होगी, जिसके बाद एक नई सोच और एक नई उम्मीद के साथ चेन्नई सुपर किंग की टीम इस मैच में उतर सकती है। इस मैच में आपको धोनी का धमाल भी देखने को मिल सकता है। जी हां, किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हमेशा ही धोनी के बल्ले से जमकर रन बरसते हैं और अब तक वो इस टीम के खिलाफ 525 रन बना चुके हैं। लगातार फ्लॉप हो रहे वॉटसन हैदराबाद के खिलाफ आउट होने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वॉटसन का यह गुस्सा इस मैच में पंजाब के गेंदबाजों की वॉट लगा सकता है। वहीं इनके साथ एक बार फिर से इनफॉर्म फॉफ डुप्लेसिस पारी की शुरुआत करेंगे। एसआरएस के खिलाफ अर्धशतक लगाकर जडेजा ने भी यह साबित कर दिया कि बल्लेबाजी में भी वो आने वाले मैचों में जलवे दिखाने वाले हैं और राइडू और केदार जाधव के साथ मिलकर मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। वहीं डीजे ब्रावो के आने से इनकी बैटिंग और भी ज्यादा डीप हो गई है। अगर अंत के ओवरों में तेज तरह रन बनाने होंगे तो डीजे ब्रावो सैम करन के साथ मिलकर मामले को संभाल सकते हैं। बात
बात करें इनकी गेंदबाजी की तो दुबई के विकेट पर एसआरएच के खिलाफ इनके गेंदबाजों ने काफी उम्दा प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी इनको अपनी गेंदबाजी में थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है। तो हो सकता है चेन्नई सुपर किंग की टीम अपनी गेंदबाजी में भी कई सारे बदलाव करे। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स हेड टू हेड बैटल्स की। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 22 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 9 बार किंग्स इलेवन पंजाब ने मैच जीता है, वहीं 13 बार धोनी के धुरंधरों ने इनको धूल चटाया है। इन दोनों टीमों के बीच पिछले साल 2 मैच खेले गए थे, मुकाबला 50-50 का रहा था। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स एक्स फैक्टर्स की। तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी की सनसनाती हुई गेंदबाजी हमें देखने को मिल सकती है। जी हां, दुबई की पिचों पर इनकी गेंदें खूब लहराएंगी और विरोधियों के विकेट उड़ाएंगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से धोनी करेंगे धमाल और मचाएंगे बवाल। जी हां, घायल शेर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और ये शेर इस वक्त घायल होने के साथ साथ रनों का भूखा भी है। वहीं पंजाब के खिलाफ ये पहले ही 525 रन बनाकर अपनी भूख शांत कर चुका है। आपको बता दूं कि ये दोनों खिलाड़ी मेरे फैंटेसी पावर 11 टीम के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी हैं। आप भी अपनी टीम फैंटेसी पावर 11 पर बनाकर आईफोन 11 के साथ साथ ढेर सारे रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स कौन होगा दमदार? क्या धोनी करेंगे धमाल या फिर केएल मचाएंगे बवाल? तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस मैच में धोनी करेंगे धमाल, केएल नहीं मचाएंगे बवाल। जी हां, चेन्नई सुपर किंग मेरे अनुसार ये मैच जीत सकती है। अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कुछ और होने वाला है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है। हमारे साथ मिलकर आईपीएल का लुफ्त उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।